अनुसूचित जाति की सूची में केवट मल्ला बिंद के नाम से हम मछुआरे हैं, तो बिहार जैसे अलग हुआ जब बंगाल से, तो हम अनुसूचित में हैं, हमें संविधान के पन्ने में है। हमारी गणना केवट मल्ला को मझवार के नाम से हुई थी, अनुसूचित जात के मतदार हैं, तो वो आर हमारे समाज को पिछड़ी और अति पिछड़ी जात में डालने वाले जो है ये नीतीश कुमार कौन होते हैं। जब नीतीश ने एक बार प्रस्ताव भेज दिया हमारे लोगों को एसटी में, तो किस हैसियत से एसटी में भेजा था? जब हम एससी में है तो एसटी का प्रस्ताव क्यों भेजा? तो वो खाली निषादों को मूर्ख बनाते हैं और बंटवारा चाहते हैं। केवट इतना है, बिंद इतना है, मल्ला इतना है, लुनिया इतना है, रैकवार इतना, धीवर इतना है। हम बांटने के लिए ना, जाति मतलब होता है कम्युनिटीज, फिशरमैन एक कम्युनिटीज है, जाति है, मछुआ एक जाति है, तो मछुआरों का एक जगह गिनती होनी चाहिए। है मिल्कमैन एक जाति है, कुर्मी एक जाति, तो कुर्मी एक जगह गिन लिया है, यादव एक जगह गिन लिया, बाकी जातियां चूतियां हैं, अलग 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 गिन रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बांट रहे हैं। ये मूर्खतापूर्ण काम है। हम अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध हैं, हमको अनुसूचित जात में जगह न मिले इसलिए घुमा रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि अनुसूचित का अगर प्रमाण पत्र मिलना हो जाएगा तो हम मछुआरों की आबादी इतनी अधिक है हर जगह, लोकसभा में भी हम जाएंगे आराम से, विधानसभा में आएंगे, विधान परिषद में आए, राज्यसभा में आएंगे, तो ये मूर्ख बनाने वाली बात है। हम तो बहुत पहले से आंदोलन करते रहे कि सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं, तो लेदर मैन की गिनती एक जगह हो रही है, वाशरमैन की गिनती एक जगह हो रही है, मिल्कमैन की गिनती हो रही है, कृषक मतलब कुर्मी की एक जगह हो रही है, हम निषादों की 12 जगह क्यों हो रही है, 18 जगह? हम उपजातियों में बटे हुए, उपजाति पुकारू नाम को जाति नहीं कहा जाता है। जो भारत में आजादी 1931 में जातियों के ऊपर एक सर्वे हुआ था, उसका नाम विलियम कुक ने सर्वे किया था, और विलियम कुक के उस सर्वे के अनुसार हम मछुआरों की तमाम उपजातियां हैं जो समूह में है, और भारत के संविधान में हमें मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली सात नामों से हम अनुसूचित जात में सूचीबद्ध है। और इसी विसंगति को दूर करने के लिए निषाद पार्टी का जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी आरक्षण लेगी निषाद पार्टी, और पूरे देश के लोगों को आरक्षण हम संविधान में लिखा हुआ हम कराएंगे। और इस तरीके की जनगणना करा कर कि इतना 1% ये है, 1%, तो ये मनोबल तोड़ने वाला है कि 1% ये है, धुना है, ये है, वह है। हम कह रहे हैं अपना परसेंटेज आप इतना दिखा रहे हो, यादव का परसेंटेज इतना दिखा रहे हो, हम मछुआरों को बांट कर उसका परसेंटेज छोटा दिखा रहे हो, तो ये अब हमारा समुदाय पहले था, पहले हम मूर्ख बना लिया, अब नहीं मूर्ख बनाएंगे। जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन विसंगति दूर होकर होनी चाहिए। ये देश को आजाद कराने में 193 जातियां जो बिखरी हैं, अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के अनुसार 193 जातियां अनुसूचित जनजाति से भी बेहतर हैं, और उन्हें अनुसूचित जनजाति की सुविधा देने के लिए अगर कमीशन ने रिपोर्ट लगाया तो फाइल की वजह से कैसे गायब है? 30 साल से लोग सत्ता में रहकर हमारे लोगों का हिस्सा खा रहे हैं, और 30 साल पहले क्यों नहीं याद आए? अब जब मलाई खत्म हो गया, अब ये जातियां उनसे दो हो गए पलटू राम से, तो उनको अब गिनती के माध्यम से इन्हें कमजोर करके कहते तुम्हारी तो संख्या इतनी है, तुम कहाँ राजनीति करोगे, आओ मेरे पीछे पीछे घूमो। इसमें और कुछ है नहीं, यही छुपा हुआ है कि अपनी गिनती अधिक दिखा दो, बाकी जातियों का गिनती कम दिखा दो, और कह दो कि भाई इतनी जातियां घुमा के, पिछड़ों की आबादी इतनी है, अगड़ों कितनी है, और उसमें पिछड़ों में आगे कौन है वो दिखाना। मैं कहता हूँ अगर है तो कुर्मी को एक जगह गिने हो, उसी तरीके से मछुआरों को एक जगह गिनो, बस हिम्मत हो तो दिखाओ। अब वो नहीं करेंगे तो हम लोगों ने पार्टी बना रखी है, बिहार में बीआईपी है, उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी है, और देखना एक समय आएगा कि मछुआरों की आबादी इकट्ठी हो रही है धीरे धीरे, सत्ता की चाबी लेंगे और मजबूर कर देंगे, जैसे महिलाओं ने मजबूर किया कांग्रेस और सपा और बसपा को, हराया तमाम क्षेत्रीय दल और कांग्रेस को, धोखेबाज बनाया महिलाओं ने, और उन धोखेबाजों को जब हराया तब इनको याद आया, और भारतीय जनता पार्टी जब महिलाओं को सम्मान देना शुरू कर दी तो देखो महिलाओं के आरक्षण बिल पर सारे लोगों ने समर्थन कर दिया। उसी तरीके से निषाद मछुआरे इन लोगों को जब हरा रहे हैं, कांग्रेस को हराएंगे, सपा बसपा को हराएंगे, ये तमाम पार्टियां आरएलडी को हराएंगे, तमाम ऐसी पार्टियां हैं, जब हारेंगे और तब समझेंगे कि मछुआरे क्या हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास हो जाएगा कि इनकी आबादी है, अगर इनको हरा सकते हैं, समय आने पर इनका अगर हिस्सा नहीं दिया गया तो ये हमारे लिए भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि संविधान में जब आवाज उठती है, जब भुसंभर जी ने आवाज उठाया तो नीतीश क्यों भाग गए, लालू क्यों भाग गए? मैं कहता हूं कि क्यों हमारा आरक्षण का विरोध करते हैं सदन में और बाहर, कहते हैं हमें वोट चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। अब ये मछुआर जान गया, और ये
संविधान के मुताबिक मछुआरे एक हैं, लेदरमैन कम्युनिटीज एक है, वाशरमैन फिशरमैन को कैसे मिल रहा है संविधान में वैसे लेदरमैन को भी।